Okay. Thank you. Anything? जी हाँ जी हाँ। तो तनवीर सर जो है, तनवीर बुकाला, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट किया, उन्होंने बहुत पहले मुझे एक फ़ोटो भेजा ऑफ द मॉन्स्टर दैट दे क्रिएटेड, और वो ही देख के मैं डर गई। एंड आई सेड शायद मैं आज नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत डरावने सपने होंगे आफ्टर वॉचिंग द शॉर्ट फिल्म। लेकिन मुझे लगता है कि दैट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ हॉरर फिल्म, दैट इट स्टेज विथ यू एंड इट स्केयर्स यू। सो आई एम होपिंग टू बी स्केयर्ड, बट नॉट सो स्केयर्ड दैट आई कांट स्लीप टुनाइट। थैंक यू। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हॉन्टिंग देखने के लिए, और ये स्टोरी बहुत ही पर्सनल है, एंड मेरे लिए ज़्यादा पर्सनल है क्योंकि आई एम प्लेइंग प्रकृति इन एज प्रकृति। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, और आप सब भी देखिए द हॉन्टिंग अमेज़ॉन मिनी टीवी पर फ्री। I'm very very excited actually, because this is the first time I'm with Amazon, and itne sare log, itna sara pyar, aur I'm really grateful, I'm very thankful, and I can't wait to see people's reaction to it. Thank you so much. Mila, you want to do it together? We'll do it together. You say congratulations. I was a good hand. Yeah, shall we start? Start kare kya? बहुत ही हॉन्टिंग और बहुत ही पावरफुल, और मैं बहुत खुश हुआ, वेरी हैप्पी फॉर तनवीर जो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू बना रहे इस अमेजॉन मिनी टीवी के शॉर्ट फिल्म के साथ, एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम। एंड हमारे पेट पे लात मार रहा है, अब तक प्रोड्यूसर था, अब डायरेक्टर भी बन गया है, तो हम लोग को अब दिक्कत होने वाली है। बट आई लाइक हाउ टू से, आई मीन, या फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस तनवीर। आई मीन आई नो तनवीर हैज दैट, यू नो, दैट ब्रेन इन हिम, यू नो, एंड आई एम श्योर इट्स हिज लाइक, इट्स इट वाज ऑलवेज हिज पैशन टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। मैंने ट्रेलर देखा है, रियली रियली लाइक इट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म। मेरी तरफ से जब होगा तो आपको पता चलेगा। इस वक्त हम तनवीर और हॉन्टिंग के लिए आए, तो हॉन्टिंग की बात करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट, एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म वेरी सून नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी थ्रिलिंग लगा, एंड आई एम ईगर टू गो वॉच द फिल्म, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर तनवीर, इट बीइंग हिज फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू, सो या एक्साइटेड। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, देखना बहुत डर भी लगता है, बट उसी में मज़ा है। आई थिंक थ्रिल इज़ वॉट आई लाइक, एंड सो इवन मोर एक्साइटेड, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। Thank you, thank you so much. एक्साइटेड तो नहीं हूँ, बट लेकिन मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे बिल्कुल हॉरर जॉनर बहुत डराता है ये, तो मैं तो फर्स्ट सीन देखकर ही वापस आ गई। जी, मैं उसकी इंटरोगेशन कर रही हूँ एक ऐसे किरदार की जो मर्डर सस्पेक्ट है, और वो कहती है कि उसने मर्डर नहीं किया है, भूत प्रेत आत्माओं ने किया है, तो मुझे लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है।
और फिर किस तरीके से मेरा माइंड बदली होता है ये आपको देख कर मालूम पड़ेगा। नहीं, डर लगता है पर अच्छा हॉरर हो जैसे तनवीर जी ने बनाया है तो देखने लायक होता है। मतलब मैं मानती हूँ कि इस फिल्म से इंडिया में जो हॉरर जॉनर है वो एक इंडिया में नए इंडिया में हॉरर जॉनर की एक मिसाल कायम करेगी ये फिल्म। जिस लेवल की इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसका साउंड डिज़ाइन है वो इंटरनेशनल लेवल के बराबर का है। और मेरा ये मानना है कि आज के बाद एक पहलू होगा, लोग बोलेंगे हॉन्टिंग ऑफ मॉश में से पहले वाली फिल्म है और उसके बाद वाली फिल्म है, बिकॉज ये एक जॉनर डिफाइनिंग फिल्म है। क्योंकि वो जो हमारे डेब्यू डायरेक्टर हैं वो असल में रियल लाइफ पर डरावने हैं, तो वो बस अपनी डरावना अपना डरावनापन वो बाहर उभार कर लेकर आए हैं फिल्म में। बहुत डरावने हैं, खड़े हैं वहाँ पर, देख कितने भयानक लगते हैं। फिलहाल आज के इस अवसर को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि हम इस फिल्म की बात करें, इस फिल्म के डेब्यू डायरेक्टर की बात करें और बात करें इस एक मिसाल कायम करने वाली फिल्म की, जो हॉरर जॉनर, थ्रिलर जॉनर, स्कैरी जॉनर को इस लेवल तक ले गया है कि अब उस लेवल से अगर कम फिल्में बनेंगी तो मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ तनवीर के लिए। तनवीर मेरे असुर के प्रोड्यूसर हैं और एक और उनके साथ शो कर रही हूँ और वो हॉरर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ, सो वो हॉरर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड कि वो उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा है। प्रोड्यूसर थे अभी तक और उन्होंने डायरेक्शन में कदम रखा है विद हॉरर, बिकॉज ही लव्स हॉरर। सो आई एम एक्चुअली हियर टू सपोर्ट हिम एंड देखने आई हूँ कि क्या किया है। मैंने ट्रेलर नहीं देखा है मैं सीधा मूवी देखूंगी एंड डायरेक्टली वहीं पे डरूंगी। नहीं, हमने एक वेब शो किया था असुर सीजन 1, तनवीर ने किया था प्रोड्यूस, और अभी एक आने वाला है रोमांटिक शो है, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती बिकॉज प्लेटफॉर्म बात करेगा तभी हम बात कर सकते हैं। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, वरुण सोपती के साथ है वो शो, वरुण भी आएगा अभी उनके साथ है वो शो एंड हम दोनों वी बोथ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रोमांटिक शो है, मैंने कभी रोमांटिक स्पेस में किया नहीं है, आई ऑलवेज प्लेड स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, सो या आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। बस आने ही वाला है, अब सब कुछ आने ही वाला है। समर्स के साथ, जैसे ही समर्स आएंगे वैसे ही सारा काम आएगा मेरा। सो या गुड टू सी यू। हाँ, पर अभी शुरू नहीं हुआ है। I'm very scared of horror films. I'm only here because Tanveer is a very, very, very close friend. And I think I really love his sensibility. So I'm sure usne jo bhi banaya hai bahut acha banaya hai. Horror bahut scary tha, usme matlab trailer bahut scary tha, to main bahut zyada nahi dekh paya. And main abhi bhi darr rahi hu ki main kaise baith ke andar dekhungi aadhi ghante ki film. But I'm very excited for him. Tanveer ka first direction hai and he's a fabulous, fabulous creator. So I'm sure he'll be amazing. अभी मैं तनवीर के बारे में इतने बात कर रही हूँ। आई नो, मतलब मैं और तनवीर हरदम लड़ते रहते हैं कि वो इतनी डार्क बातें करता है और कि डार्क तरीके से सोचता है। हॉरर इज माई लीस्ट फेवरेट जॉनर एंड हिज मोस्ट फेवरेट जॉनर। सो वेल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट ही इज डन, बट एज आई सेड, आई हैव ऑलवेज लव्ड हिज सेंसिबिलिटीज इन अदर काइंड ऑफ जॉनर्स एंड ही इज ऑलवेज बीन वेरी bold, extremely forward thinking, and he loves to take risks.
तो आई एम श्योर कि उसके हॉरर में भी कुछ अलग ही होगा. जो एक स्टेपल हॉरर हम देखते हैं वो वैसा नहीं होगा, कुछ डिफरेंट जरूर होगा. थैंक यू. हाँ जी जी मैं तो डर गई क्योंकि एक्चुअली हॉरर मूवीज में देखते नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऐसी मतलब क्या बोलते हैं डरपू या मैं डरती बहुत हूँ. मैंने बोला माँ आना चाहिए, हाथ पकड़ लेगी और हम देखेंगे. या नो बट मैं एक्साइटेड हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यू नो ये तनवीर पहला फिल्म है जिनके उन्होंने डायरेक्ट किया है. सो आई वॉन्ट टू गिव माई सपोर्ट एंड या आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम वॉचिंग अ हॉरर फिल्म. या हाँ वो एक्चुअली था 2021 जब देयर वाज दिस वन पर्सन हु वाज शेयरिंग समथिंग टू मी कि वो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में. सो आई गॉट वेरी स्केर्ड एंड एक्चुअली आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म आल्सो व्हिच वाज अबाउट दिस. तो मैं बहुत मतलब मैं एकदम डर गई एंड आई वाज लाइक मैं ये जानना नहीं चाहती और मुझे मैं ये इस फिल्म को भी नहीं कर सकती. या सो आई एम लाइक अ चिकन दैट डे. या थैंक यू.